आज ईद उल अजहा का दिन है और हम लोगों ने सोचा मिठाई वगैरह ले लिया जाए मेहमानों के लिए। मुजीब भाई और मैं शोहरतगढ़ जा रहे हैं। अच्छा 500 का दे दो पहले। ना ही लेके आओ पहले। नहीं, इनको दे दो। इधर इधर आओ, इधर इधर आओ जी। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई हमारे यहाँ, लेकिन ये पानी जो यहाँ नजर आ रहा है नहर में आने की वजह से। और मैंने कहा था जैसा कि नदी में जब पानी आता है, नदी में पानी आने की वजह से ही माशाल्लाह यहाँ पर पानी जो खेती करने वाले किसान हैं उनको आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंचाई हो रही है, मतलब खेत वगैरह में अभी धान रुपाई का टाइम आ चुका है, निकल रहा है। देखिए यहाँ से ये नहर है, नहर में भी कल शायद पानी नहीं था, अभी मैं आपको नहर भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो नहर है यही नहर बाणगंगा नदी से मिली हुई है, और जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था पीछे एक नहर थी उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हमारे गांव की नहर है और ये बड़ी नहर तकरीबन कई गांवों को जोड़ती है। ये समझिए कि मतलब इस नहर की वजह से सैकड़ों ऐसे गाँव होंगे जो आसानी के साथ अपने खेतों को सैराब कर लेते हैं, किसानों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल व तौफीक से। और यहाँ ये दो तालाब हैं, यहाँ पर ये लोग मछलियाँ जिलाते हैं। यहाँ जो छोटा तालाब दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी मछलियाँ जिलाई जाती हैं। और ये आम का बाग है, यहाँ पर अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप आम खाना चाहते हैं तो यहाँ आप तशरीफ़ ले जाइए, बेहतरीन आम आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक और जो गढ़ा इन लोगों ने खोदा है इसके लिए मछली वगैरह की जिलाने के लिए। देखिए ये छोटा सा पुल है, मजबूत है। मैं समझ रहा हूँ कि मतलब जब से मैं छोटा था जब से ही मैं देख रहा हूँ, नहीं का दौर था समझिए, ये नक्सर हम लोग पहुँच गए। अभी ज्यादा दुकानें यहाँ पर नहीं आपको मिलेंगी क्योंकि छोटा सा चौरस्ता है, ये रश यहाँ पर नहीं होती है। लेकर के चलते हैं अभी, आपको जुड़े रहे भाई हमारे साथ। मिठाई की दुकान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसा करो आप दो पीस पहले निकालो खाने के लिए, मिल्क प्रोटीन है ये, एक किलो तो आप पैक कर दें और दो पीस आप निकालिए खाने के लिए। गुलाब जामुन कैसे? 320 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, तोड़ने में और खाने में जो लज्जत है ना भाई। जैसे चने का हलवा, इसका नाम क्या है? लेकिन मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन, ये भाई प्योर दूध का रहता है क्या भाई साहब? प्योर दूध का रहता है, साथ में खारा भी आप ले सकते हैं। टेस्ट तो अच्छा है, जबरदस्त माशाल्लाह। ये साथ बहुत ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा नॉर्मल दीजिए। दोस्तों मीठा तो हम लोगों ने ले लिया है, चूँकि मौसम भी बहुत ज़्यादा अगर आने में बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए। ईद उल अज़हा की ज़्यादा होती है, ईद उल अज़हा के इस मुबारक मसर्रत मौके पर तहे दिल से आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिह अल आमाल। अल्लाह ताला नेक और सालिह आमाल को शर्फ कबूलियत से नवाजे। तो इस पैगाम को जो है हमें आम करने के लिए आम तौर पे दो रास्ते हमारे पास होते हैं, या तो मैसेज कर दें या तो किसी को कॉल कर दें, और एक तीसरा रास्ता होता है कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड करके लोगों को आप पैगाम भेजें। मेरे अपने नज़रिए से अगर मैं मानूँ तो भाई किसी को मैसेज करने से बेहतर है आप कॉल करके उसको मुबारकबाद पेश करें, जितना आप जितने लोगों तक कर सकते हैं टाइम निकालें, आधे घंटे पौन घंटे जो है, इससे थोड़ा सा मोहब्बत में जो है ना इजाफा होता है। खास तौर पर अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को ज़रूर मुबारकबाद पेश करें। और ईद उल अज़हा के मौके पर दोस्तों एक बात ये भी याद रखें कि हम कुर्बानी करके अपने फ्रीज को और अपने फ्रीज़र को जो है ना गोश्त से अल्लाह के लिए ना भरें यार, तकसीम करो ना, खिलाओ खाओ यार। अल्लाह के रसूल ने कहा कुलू व अतिमू अलबाइस अलफ़कीर, खाओ खिलाओ ज़खीरा भी करो कोई मसला नहीं है, लेकिन खाने खिलाने के बाद करो। तो ये पैगाम दोस्तों याद रखें कि कुर्बानी के मौके पर हमें खुद अकेले नहीं खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, और ये हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक मुसलमान होने के नाते। चलिए दोस्तों आज का ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम मिठाई लेकर के अब अपने घर वापस जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा रास्ते का भी मंजर आपको दिखाया है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि भाई लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ।